था उस दिन। ये लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया। हैप्पी नवरात्र ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। और कल मैं देख के आया चटर्जी वर्सेस नॉर्वे भाई मूवी, 4-5 मूवीज को कम्पीट कर रखा भाई, जिसने सबको पीछे कर रखा है और सबसे ज्यादा क्राउड कमाने वाली एक मूवी चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो लास्ट मैंने जैसे इसका टीजर का रिव्यू बताया था और टीजर का रिएक्शन बताया था, एक्जैक्टली वैसे ही ये मूवी निकली और बहुत ही इमोशनल। और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 2 घंटा सीट पर बिठाई रखेगी, क्योंकि भाई इसका इमोशंस और इसके फीलिंग्स के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भाई मेरे साथ थिएटर में बैठे हुए लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। और नम इसीलिए होगी ना क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है, एक माँ के 2 बच्चे लेके चढ़ जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये तो आप इस कहानी में पता लगेगा। मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि मूवी अगर सारी मैं बता दूंगा तो मूवी देखने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और मूवी सच में बहुत जेन्युइन है और कोर्ट की जो एक्टिंग और उनके गाने और उनके फीलिंग्स, कोई फालतू का डायलॉग्स नहीं, कोई फालतू की इमोशंस नहीं, कोई फालतू का म्यूजिक, बैकग्राउंड बहुत अच्छे से चला जा रहा है और गाने सिर्फ उसी फैक्ट पे लगाए गए जहाँ पे एक मेमोरेबल मेमोरीज के लिए होता है। जाके मूवी देखिए और अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके बताइए कि मूवी का रिव्यू मेरा भी।